एबीपीएस न्यूज का सफर जिला बरेली के श्रीमती रूपदेही के गांव पिपरिया पहुंचा, जहां पर उन्होंने बताया कि उनके यहां प्राइमरी स्कूल में 80 तो जूनियर हाई स्कूल में 60 छात्र छात्राएं पंजीकृत हैं। साथ ही हैंडपंपों की संख्या 27 है, जिनमें 2 हैंडपंप अभी रिबोर होने हैं। इसके अलावा 5 हैंडपंप और गाँव में लगने चाहिए। तो बिजली के पोल की संख्या उन्होंने 44 बताई और 30 बिजली के खम्भों की और मांग रखी है। उन्होंने बताया कि अपने कार्यकाल में उन्होंने 7 सीसी रोड और 360 मीटर की नाली, 200 शौचालय, 22 आवास, 57 स्ट्रीट लाइट, प्राइमरी स्कूल और जूनियर हाई स्कूल की मरम्मत का कार्य कराया तथा मॉडल शौचालय भी यहां बनवाए गए हैं। साथ साथ उन्होंने मिट्टी के भराव के काम, आंगनबाड़ी केंद्र, 24 हैंडपम्प के साथ ही 3 हैंडपम्प को रिबोर कराया है, ये बात उन्होंने बताई। साथ साथ उन्होंने राज्य और केंद्र से मांग रखी है कि पंचायत घर की मरम्मत की जाए, बारात घर का निर्माण होना चाहिए, शमशान घाट यहाँ नहीं है जो कि बहुत जरूरी, इसका निर्माण भी होना चाहिए। साथ ही दूसरा जो गांव इनकी ग्राम पंचायत में आता है, वहां पर 1 आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था की बात भी ग्राम प्रधान द्वारा कही गई है। तो वहीं स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण के साथ साथ उन्होंने 30 और प्रधानमंत्री योजना आवास के तहत आवासों की मांग रखी है और 100 शौचालय अभी और उनकी ग्राम पंचायत में आने चाहिए। साथ ही 200 मीटर का सीसी टाइल्स रास्ता बनाने की भी बात उन्होंने कही। साथ ही उन्होंने बताया कि पानी निकासी की यहां व्यवस्था नहीं है और स्वास्थ्य सेवाएं भी यहां पर उपलब्ध नहीं है। ग्राम पंचायत तहसील वीरगंज, जिला बरेली, मरम्मत 3 रिवोर, 7 आरसीसी रोड, 180 मीटर के 2 नाले, 200 शौचालय, 22 आवास, 57 स्ट्रीट लाइटें, प्राइमरी स्कूल व जूनियर स्कूल की शौचालय मरम्मत व मिट्टी कार्य, आंगनबाड़ी केंद्र का काम प्रगति पर है, 24 हैंडपम्प मरम्मत, पंचायत घर की मरम्मत व बारात घर की आवश्यकता है। कुछ रास्ते कच्चे हैं, वो आरसीसी होने लायक हैं। करीब 1500 मीटर लंबाई के होंगे व शमशान घाट बारात घर की आवश्यकता है। जैसे कि मेरी ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण चल रहा है, उसमें कोई पैसा अभी तक नहीं दिया गया है और जो भी सामान हम लाए हैं वो दुकानदारों से लाए हैं। आए दिन दुकानदार हमें परेशान कर रहे हैं और पैसे के लिए जब प्रशासन से कहो तो आज आ जाएगा कल आ जाएगा, इसका भी चल रहा है और पैसा अभी तक हम लोगों को नहीं दिया गया है और हम इसी लेकर बहुत परेशान हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि इसका पैसा जल्दी ही मुहैया कराया जाए और उनका हम पैसा भुगतान कर सकें दुकानदारों का, और आगे का जो निर्माण रह गया है वो पूर्ण कराएं। हेलो, मैं ग्राम पंचायत पिपरिया से बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ प्रधान जी अच्छा काम कर रहे हैं, आरसीसी रोड और ये सब कुछ बराबर चल रहा है, स्ट्रीट लाइट है, नल और ये सभी काम मरम्मत के वो सभी हो रहा है, नए रोड पड़ रहे हैं, बिजली भी लाइट की समस्या सब सही है, सफाई भी सही हो रही है।